हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीला चड्डा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस कमांडो ट्रेनिंग में। बहुत बहुत अभिनंदन, जय माता दी। इस 21 दिन की कमांडो ट्रेनिंग में आज कमांडो ट्रेनिंग का सेकेंड डे है और बताना चाहूंगी दोस्तों कि स्मॉल स्मॉल ऑपरेशंस ही आपको जो है हाई मैं कहूंगी हाई लेवल टास्क कंप्लीट करने में बहुत 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 हेल्प करेंगे। छोटे छोटे स्किल्स जो हमें कमांडो ट्रेनिंग सिखाती है वही आपके नेटवर्क बड़ा नेटवर्क बनाने में आपकी हेल्प करेंगे, उसको डेवलप करने में आपकी हेल्प करेंगे। कमांडो ट्रेनिंग एक ऐसा है जो आपके नेटवर्क में जो सफलता है उसकी कहानियां लिखेगा। और दोस्तों बहुत खुशी के साथ बताना चाहती हूँ, ऑलरेडी कमांडो ट्रेनिंग शुरू कर चुकी हूँ अपनी टीम में भी और बहुत एक्साइटेड है मेरी टीम। हर कोई बोलता है मैम मैं ये करूंगा, मैम मैं वो करूंगा, मैम मैं वो करूंगा, तो बहुत एक्साइटेड है। और अपनी छोटी छोटी ट्रेनिंग में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आने से उनको कहीं ना कहीं लगने लग गया है कि यस, ये जो कमांडो ट्रेनिंग है हमें हमारे सपनों की ओर हमें सक्सेसफुल लेके जाएगी। और बस इसी के साथ वो लोग काफी एक्साइटेड हैं और अपनी छोटी छोटी ट्रेनिंग भी उन्होंने स्टार्ट कर दिए हैं। एक उनको लगने लग गया है कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ उनके हमारे बच्चों को और उनको सबको लगने लग गया है कि यस, यही एक वो है मम्मा मम्मा के लिए प्राउड फील करने लग गए हैं कि मम्मी मीटिंग्स कर रही है, मम्मी ट्रेनिंग्स कर रही है। तो दोस्तों ये कमांडो ट्रेनिंग ही है जो आपको आपकी सफलता की ओर लेके जाएगी। अपने बारे में बताना चाहूंगी, मेरा नाम मनीला चड्डा, प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर, डायमंड ज्वेलरी बिजनेस था लेकिन जिंदगी में कुछ और करना चाहती थी, अपनी पहचान बनाना चाहती थी और मोदी केयर ज्वाइन किया एज ए यूजर। लेकिन जब सुरेखा मैम की मीटिंग्स अटेंड करी, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी सुरेखा मैम जी को जो जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया। और उन्होंने जब दो बातें उन्होंने बोली, एक तो जब आप घूमने जाते अपनी फैमिली के साथ घूमने जाते हो तो कभी आप अकेले घूमने जाओ, अपनी फ्रेंड्स के साथ जाओ तो वो चीज बड़ी अट्रैक्ट करी क्योंकि वहां पे भी हम फैमिली के साथ होते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी फैमिली को ही देखते रहते हैं, हमें कई बार खुद इंजॉय नहीं करते हैं, तो वो बात मुझे बड़ी अट्रैक्ट करी। और दूसरी बात उन्होंने ये बोली थी, जब भी आप मार्केट जाओ, आप सपोज फुटवेयर खरीदने ही जा रहे हो, आप एक देख रहे हो, दो देख रहे हो, तीन देख रहे हो, आपको बहुत सारे 5-6 पेयर पसंद आ रहे हैं लेकिन आप कहीं ना कहीं 2 या 3 पे रुक जाते हो। और एक पैसिव इनकम, एक मोदी केयर हमें ऐसी सफलता देता है कि जहां हमें सोचना नहीं पड़ता, हमें जो चीज पसंद आए हम वो खरीद लेते हैं। तो दोस्तों आज वो मेरे साथ हो रहा है कि मैं जाती हूँ तो मैं सोचती नहीं हूँ, 2 जोड़े 4 जोड़े 5 जोड़े 6 जोड़े जितना मुझे पसंद आता है मैं सब ले लेती हूँ। तो ये चीजें मुझे उनकी ये बातें बहुत अट्रैक्ट करी, मैंने मोदी केयर करना शुरू किया और आज फास्टर 10 से मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, वो भी एज अ यूजर। और आज मैं 1 लाख प्लस की इनकम पे हूँ, 4 फॉरेन ट्रिप्स ले चुकी हूँ और लास्ट मलेशिया के टूर पे मेरे को 50,000 कंपनी की तरफ से आ गया था क्योंकि इस पेंडेमिक में हम नहीं जा सके थे। और अगले साल एक लग्जरी गाड़ी लेने वाली हूँ। और आज आज की जो ट्रेनिंग है उसमें मैं अब नेक्स्ट आयुषी जी आयुष आयुषी आयु आयुषी जी हैं अग्रवाल जी, उनको बुलाना चाहती हूँ। दोस्तों बहुत ही फैशन डिजाइनर थी और बहुत ही छोटी उम्र में उनकी शादी हो गई थी, 20 साल की एज में उनकी शादी हो गई थी और 2 बच्चों के साथ घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उन्होंने मोदी केयर को 5 महीने पहले स्टार्ट किया और आज 10,000 रुपए की पैसिव इनकम पे हैं और अपनी पहचान बना चुकी हैं, अपने लिए भी कुछ कर चुकी हैं और एक कहते हैं ना एक आइडेंटिटी बना चुकी हैं अपने लिए। तो जोरदार तालियों के साथ मैं उनका स्वागत करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मनीला जी फॉर सच अ वार्म वेलकम, एंड थैंक यू सो मच हमारी गुरुमा मिसेस सुरेखा भार्गव जी एंड अवर ग्रेट अपलायन एंड लीडर्स फॉर गिविंग मी सच अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। तो गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका आज की इस ट्रेनिंग में, हमारे कमांडो ट्रेनिंग सेशन में। दोस्तों तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, जैसे कि मनीला जी ने बहुत अच्छे से बताया, मैं अयूरी अग्रवाल हूँ, आगरा की रहने वाली हूँ और एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी। दोस्तों बींग अ हाउसवाइफ लाइफ में कोई कमी नहीं थी, ऐसी कोई जरूरत नहीं थी जो पूरी ना हो रही हो, लेकिन जैसे कि कहावत है ना दोस्तों कि हर पतंग को एक दिन कचरे के डिब्बे में जाना होता है लेकिन उससे पहले उसे आसमां को छूकर दिखाना होता है। दोस्तों तो बस मेरा भी एक यही सपना था कि जब मेरी जिंदगी की शाम ढले तो मेरी जिंदगी की कहानी कोई किताब का पन्ना ना रह जाए बल्कि एक इतिहास बन के सबके सामने आए। और जैसे कहते हैं ना, कहीं चाह जहां चाह होती है वहां राह होती है।
मयूरी जी आप अपनी वीडियो ऑफ कीजिए तो शायद आपकी ऑडियो ठीक आ जाएगी। वीडियो ऑफ कर लीजिए और बात करने की कोशिश कीजिए। टीम प्लीज टेक केयर, आगे प्रोसीड कीजिए। नेक्स्ट प्रेजेंटर को स्टेज पर स्क्रीन पर आने दीजिए। यस हेलो एवरीवन, तो आज का जो इवेंट है दोस्तों बहुत पावरफुल इवेंट होने वाला है और जैसा आप सभी लोगों को पता है दोस्तों आज कमांडो ट्रेनिंग का सेकंड डे है दोस्तों। आज न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन और माइंड मैपिंग का बहुत शानदार सेशन होने जा रहा है और इस सेशन के लिए दोस्तों हमारे पास दो बहुत ही बेहतरीन डायनेमिक लीडर्स हैं, तो वन बाय वन उन दोनों लोगों को हम दोनों लीडर्स को बुलाते हैं और दोस्तों उनसे आज के इवेंट की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं जिस लीडर को बुलाने जा रहा हूं दोस्तों इलाहाबाद के रहने वाले हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है दोस्तों और बहुत बेहतरीन तरीके से मोदी केयर बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, आज प्लेटिनम डायरेक्टर रैंक पे है। तो मैं जोरदार तालियों के बीच में अंकित केसरवानी जी को स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। थैंक यू सो मच अजय सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। दोस्तों मेरा नाम अंकित कुमार केशरवानी है, बाय प्रोफेशन में एक आईटी एजेंसी कंपनी में जॉब करता हूं और जॉब के साथ साथ मुझे हमेशा एक चीज का मलाल रहता था कि जॉब से मैं अपने सिर्फ जिंदगी का गुजारा कर सकता हूं। मैंने 99% लोगों को देखा जो लोग जॉब करते हैं उनकी जीवन भर की अचीवमेंट सिर्फ यही है कि एक ईएमआई पे घर खरीद लें, एक ईएमआई पे कार खरीद लें और अपने बच्चों का भरण पोषण कर लें, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। जॉब की कहानी यही है और कभी भी अगर अपनी कहते हैं ना अपनी जर्नी देखनी हो तो अपने से 10 साल ऊपर वाले की जर्नी आप देख लो, आपको पता चल जाएगा कि आप अगले 10 साल में कहाँ जाने वाले हो। लेकिन मैं अपनी जर्नी को सिर्फ यही तक समेटना नहीं चाहता था, इतना खूबसूरत लाइफ मिली है उसमें मैं अपने जीवन को कहते ना उड़ान देना चाहता था। इसीलिए आज से लगभग 20 महीने पहले मैंने मोदी केयर को पार्ट टाइम में करने का डिसीजन लिया जॉब के साथ साथ। और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि कोरोना होने के बावजूद भी मैंने लास्ट 20 मंथ्स में 2 सबसे बड़े अचीवमेंट्स हासिल किए। सबसे पहले अचीवमेंट्स की बात करूं तो मैंने लगभग लगभग पार्ट टाइम में मोदी केयर से 90,000 की इनकम को टच किया हुआ है, वो भी पार्ट टाइम में, याद रखिएगा पार्ट टाइम इनकम। और दूसरी अचीवमेंट्स की मैं बात करूं तो आज मैं एक सक्सेसफुल यूट्यूबर हूं, आप मुझे यूट्यूब पे अंकित केशरवानी के नाम से सुन सकते हैं। इसके अलावा 500 से ज्यादा टीम को ड्राइव कर रहा हूं और आज मैं मोदी केयर में प्लेटिनम डायरेक्टर रैंक पे हूं। ये वो रैंक होती है जहां पे आप कार फंड पाना स्टार्ट कर लेते हैं, आप घूमने फिरने का पैसा पाते हैं, आप लीडरशिप का पैसा पाते हैं, बहुत सारी चीजें। अगर आने वाले मैं अगले 6 महीने का अपना टारगेट बताऊं तो मैंने 2 लाख रुपए की इनकम को टच करने का पूरा इरादा बना रखा हुआ है और आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि ये प्लेटफॉर्म बहुत जबरदस्त है। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू अजय सर। बहुत बढ़िया अंकित जी, और इसी बीच में मैं हमारे एक और डायनेमिक लीडर को बुलाने जा रहा हूं जो अगेन इलाहाबाद से हमारे लीडर हैं दोस्तों, प्लेटिनम डायरेक्टर रैंक पे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, करीबन 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है और मोदी केयर को दोस्तों पार्ट टाइम में बिल्ड करके अपनी फुल टाइम सैलरी को आज बीट कर चुके हैं दोस्तों। तो मैं आप लोगों के बीच में ब्रिज भूषण शर्मा जी को इन्वाइट करना चाहता हूँ दोस्तों। ब्रिज सर ओवर टू यू। थैंक यू सो मच अजय सर एंड थैंक यू सो मच गुरु माँ सुरेखा भार्गवा मैम जिन्होंने हम लोगों को इस काबिल समझा कि हम पूरे नेशनल लेवल पे जाकर लोगों को हेल्प कर पाए। तो दोस्तों नाम है ब्रिजभूषण शर्मा, रहने वाला हूँ प्रयागराज का और मोदी केयर की शुरुआत हुई तकरीबन 20 महीने पहले और सफर बहुत अच्छा रहा, बहुत शानदार रहा। कभी सोचा नहीं था कि जॉब के साथ साथ भी इतना बड़ा बिजनेस बिल्ड किया जा सकता है, इतनी सफलता प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों आने का मकसद ऐसा था कि पिछले 10 साल से आईटी के जॉब कर रहे थे, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज में काम किया और अभी मैं गुड़गांव में फ्रेंच मल्टीनेशनल है वहां काम कर रहा हूँ। ये चीज समझ में आई कि जॉब भूखा मरने नहीं देगी मगर सपने पूरे करने नहीं देगी। तो सपने तो पूरे करने ही थे, पिछले 10 साल से किराए के घर में रहते थे, एक बहुत बड़ा पेन था जब हर एक साल बाद मकान मालिक आता और बोलता है लो जी आपका 10% किराया बढ़ गया। तो वो जो एक पेन था उसको पूरा करना चाहते थे, अपना घर लेना चाहते थे बट सैलरी में सबको मालूम है कि सैलरी आती और जाती पता नहीं चलता, तो कुछ ढूंढ रहे थे। कई सारे लोगों ने मोदी केयर बाई चॉइस ज्वाइन किया बट दोस्तों हमने मोदी केयर बाई चॉइस ज्वाइन किया, कई लोगों ने बाई चांस ज्वाइन किया होता है। हमने खुद मोदी केयर के बारे में स्टडी किया और हमने पाया कि मोदी केयर हिंदुस्तान में बेस्ट कंपनी है। सारे हमने पैरामीटर जितने भी पीस होते हैं वो सारे हमने फाइंड आउट किए और दोस्तों बहुत अच्छा लगता है, बहुत ग्रेट फीलिंग होता है कि आज के डेट में मैं अपने खुद घर में रहता हूँ। तकरीबन 55 लाख रुपीज का घर लिया, 3 BHK फ्लैट लिया मैंने वसुंधरा गाजियाबाद में विद द हेल्प ऑफ मोदी केयर और आज के डेट में
पूरी की पूरी 100% ईएमआई जो है वो मोदी केयर की इनकम से जा रही है। इसके अलावा यहाँ से हर तरह की इनकम ले पा रहे हैं और एलपीबी बोनस हो गया, विदेश यात्रा हो गया और बहुत ही जल्दी यहाँ से कार भी लेने वाले हैं दोस्तों, एक अच्छी सी कार, सपनों की कार लेने वाले हैं, अपने वाइफ के फेवरेट कार। और मेरी दो बेटियां हैं और मेरी बड़ी बेटी भी मोदी केयर में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही है, उसको भी मौका दे रहे हैं कि आगे बढ़े। दोस्तों एक प्रॉब्लम ये था लाइफ में कि जॉब जो प्राइवेट जॉब होता है उसका भरोसा नहीं होता कि कब चली जाए, इस महीने तो सैलरी आ गई बट अगले महीने सैलरी आएगी या नहीं आएगी। और कोविड में तो बहुत ही जरूरी है हर एक इंसान को सेकेंड इनकम सोर्स का होना। तो दोस्तों मोदी केयर में ऐसा मानना है कि इस दिसंबर 2021 तक मिनिमम 2 लाख रुपए की इनकम लेनी है और मेरे टीम में मिनिमम 10 लोगों को 2 लाख की इनकम तक पहुंचने में हेल्प करना है। तो दोस्तों ये मेरा विजन है, ये रहा छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरा और अब चलते हैं वापस होस्ट के पास, श्री अजय मलिक जी के पास। बहुत ही शानदार ब्रिज सर, आपकी जो जर्नी है वो बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करती है। और दोस्तों अगर हम बात करें तो अंकित जी और ब्रिज सर आज पार्ट टाइम में बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं और अंकित जी मैंने आपके बारे में सुना है सर कि आपने अपना मैक्सिमम बिजनेस 100% मैं बोलना चाहूंगा 100% बिजनेस ऑनलाइन डेवलप किया है। मेरे को जहां तक पता कि आप लॉकडाउन के साथ में जुड़े और उसके बाद पूरा बिजनेस आपने घर पे बैठ के बिल्ड किया है। तो सर बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन रहता है क्या एक इंसान 50 रुपए की इनकम से लेकर 90,000 रुपए तक पूरा बिजनेस 100% ऑनलाइन करके पहुंच सकता है, ये बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन होगा सर, तो मैं जानना चाहूंगा सर आपने ऐसा कैसे किया। बिल्कुल सही सुना अजय जी आपने इस बारे में। एक्चुअली मार्केट में लोगों को एक बड़ा मिथ होता है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग होता है वो घर घर जाके सामान बेचने वाला बिजनेस है। मैं इस मिथ को लोगों का तोड़ना चाहता था कि ये बिजनेस घर घर जाने वाला नहीं है, नेटवर्क बनाने वाला बिजनेस है और नेटवर्क आप किसी के माध्यम से भी बना सकते हैं। जब लॉकडाउन हमारे पास आया तो एक हमारे पास एटीट्यूड होना चाहिए कि हमने गिव अप कर दिया कि अब नहीं हो सकता क्योंकि हम बाहर नहीं निकल सकते। दूसरा एटीट्यूड ये है कि प्रॉब्लम आपके सामने है, व्हाट इज द सॉल्यूशन, क्या सोल्यूशन है आपके पास। तो मैंने ऑनलाइन बिजनेस एक सोल्यूशन देखा कि घर में लोग बैठे हैं, अगर हम फिजिकली नहीं पहुंच सकते हैं तो ऑनलाइन के माध्यम से पहुंच सकते हैं। तो सर टेक्नोलॉजी का भरपूर यूज किया, टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों से होम मीटिंग्स की, लोगों से बात किया, लोगों को समझाया। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था मेरी इनकम उस महीने की 149 रुपीज थी और फरवरी 2021 की मेरी इनकम थी 84,497। दैट इज द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। आज मैं सारे लोगों से कहना चाहूंगा अगर आपके पास टाइम शॉर्टेज है तो टेक्नोलॉजी का यूज करिए, फिजिकल मीटिंग भी जरूरी है, साथ साथ अगर आप फिजिकल मीटिंग नहीं कर पा रहे तो गिव अप नहीं करना चाहिए, आप ऑनलाइन मीटिंग के ऊपर फोकस करें, आपका बिजनेस चल जाएगा। ओवर टू यू अजय। बहुत ही शानदार सर, तो अभी तो लोगों के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे कि क्या बिजनेस 100% बिजनेस ऑनलाइन हो सकता है। तो दोस्तों इसी के बीच में मैं एक और मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है जो मैं ब्रिज सर से, हमारे लीडर, आज के लीडर से पूछना चाहूंगा। ब्रिज सर मैंने सुना आप गाजियाबाद के अंदर रहते हैं और गुड़गांव के अंदर जॉब करते हैं, तो ऑलमोस्ट अगर दोनों साइड की बात करें तो 3 से 4 घंटे तो मिनिमम है ट्रैफिक में आप झेलते होंगे और उसके बाद 8 से 10 घंटे की जॉब भी करते हैं और साथ में मोदी केयर बिजनेस को इतने बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं कि पार्ट टाइम आपने करीबन करीबन 60,000 रुपीज की इनकम को हिट किया। तो मैं सर जानना चाहता हूं कि ये सीक्रेट क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है सर कि 8 से 10 घंटे की जॉब के बाद टाइम ही नहीं मिलता उनको बिजनेस करने का। तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूं शॉर्ट में कि कैसे आपने किया सर। अजय सर बहुत अच्छा सवाल है, स्पेशली वो लोग को जो कि मेरे जैसे आईटी में है या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और जिनको टाइम मैनेजमेंट नहीं आता। तो सर कहते हैं ना कि सफल लोग उसी काम को अलग तरीके से करते हैं। तो मैंने ये देखा जब भी मैं सुबह निकलता हूँ ऑफिस के लिए तो 1.5 घंटा आना प्लस शाम को तो गुड़गांव से नोएडा का गाजियाबाद का ट्रैफिक इतना होता है, कभी कभी 2-2.5 घंटे लगते हैं। तो मैंने ये चीज फेस करी कि मेरा हर दिन का 3 से 4 घंटा वेस्ट हो रहा है। उसके बाद मैंने सोचा मैं इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करूं कि मेरा बिजनेस ग्रो हो, तो मैंने बहुत आइडियाज निकाले। तो एक आइडिया आया क्यों ना ये टाइम जो मैं मूवीज देखने में लगाता हूं, नेटफ्लिक्स लगाता हूं, क्यों ना इस टाइम को मैं यूट्यूब देखूं और वो भी गुरु माँ का चैनल देखूं जो सक्सेसफुल है। दोस्तों कहते हैं कि अगर आपको रोड पार करनी हो और आपको दिखाई ना देता हो, आप अंधे हो, तो आप किसी एक ऐसे व्यक्ति का हाथ थाम लो जिसको दिखाई पड़ता हो और उसका हाथ पकड़ के आपको रोड पार कर सकते हो। तो मैंने देखा सुरेखा मैडम दिन का 4 लाख बनाती है, तो अगर मैं भी देखूं कि वो क्या क्या नॉलेज दे रहे हैं और मैं उसको सीखूं तो मैं भी एटलीस्ट उनका कुछ परसेंटेज मैं सक्सेस पा सकता हूं। तो मैंने भी यही किया, मेरा जो टाइम था मैंने सुबेरे और शाम सुरेखा मैडम का जो यूट्यूब का चैनल है उसको देखा और दोस्तों कोई ऐसी वीडियो नहीं है जो मैंने ना देखी और कोई कोई वीडियो मैंने 5 टाइम देखी है और मेरे को बहुत सारा नॉलेज मिला। इसके अलावा मैं फेसबुक पे लीड जनरेट करता था, मैं फेसबुक के थ्रू लोगों को यू नो अपॉइंटमेंट फिक्सिंग करता था, तो उस टाइम को मैंने इसमें यूटिलाइज किया और बहुत अच्छे रिजल्ट में। तो ये मेरा सीक्रेट था। थैंक यू सर, ओवर टू यू। वेरी नाइस सर, तो
टाइम का कैसे यूटिलाइजेशन किया जाए, ये आपने बेहतरीन तरीके से बता दिया कि अगर हम वो बोलते हैं ना, एक लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी को की शार्प करता है, तो ऐसे ही आपने अपनी नॉलेज को शार्प किया, उस टाइम का ट्रेवलिंग के टाइम का बेहतरीन यूटिलाइजेशन किया सुरेखा मैम की वीडियोज के साथ में और बहुत सारे लीडर्स की वीडियोज के साथ में, और उसके बाद आपका बिजनेस चमकने लगा सर। तो सर इसी बीच में हम आज के सेशन को स्टार्ट करना चाहेंगे कि एक्चुअल क्या क्या स्टेप आप लोगों ने ली जिससे आपने अपना बिजनेस को इतना बिल्ड किया। तो मैं ये वर्चुअल स्टेज ब्रिज सर को हैंड ओवर करना चाहूंगा। ओवर टू यू ब्रिज सर। थैंक यू अजय सर। तो दोस्तों अभी आज का प्रोग्राम आगे बढ़ाता हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ हमारे इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे। जितने भी हमारे नए भाई बहन हैं जो मोदी केयर में आए हैं, मैं उन सबको बधाई देना चाहूंगा और मैं उनको वारंटी नहीं गारंटी देना चाहूंगा कि अगर अगले एक घंटे वो हमारे साथ बने रहे तो वो बिजनेस की सारी बेसिक सीख पाएंगे। वो ये अच्छे से सीख पाएंगे कि बिजनेस में शुरुआत अच्छी कैसे करें ताकि उनको सफलता मिले। बहुत सारी बेस्ट विशेष आपको देते हुए मैं आज का सेशन आगे बढ़ाना चाहूंगा। तो लेट मी शेयर माई स्क्रीन। तो दोस्तों क्या होता है ये एनसीओ प्रोग्राम, न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम। जब भी कोई व्यक्ति कोई नया बिजनेस स्टार्ट करता है, कोई नया काम स्टार्ट करता है, तो उसकी सही शुरुआत होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर हम किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो पहले हमारा इंडक्शन होता है, तो ये काइंड ऑफ इंडक्शन है, इंडक्शन प्रोग्राम होता है। और थैंक्स टू गुरु माँ सुरेखा मैम जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म, एक सिस्टम क्रिएट कर दिया जिसको डुप्लीकेट करके हम सब लोग सफल हो जाएंगे, ये मेरे को पूरा पूरा विश्वास है। तो दोस्तों क्या क्या स्टेप्स हैं मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा और आगे कैसे हम बढ़ सकते हैं इसके बारे में आपको पूरी नॉलेज दूंगा। दोस्तों कहते हैं कि जब ताजमहल बना तो उस ताजमहल को बनाने में तकरीबन 10,000 से 50,000 मजदूर लगे। बट दोस्तों याद किसको किया जाता है? याद उन मजदूरों को नहीं किया जाता है, याद किया जाता है शाहजहां को, क्योंकि ताजमहल बनाने के पीछे विजन उसका था, सोच उसका था। इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी इंसान सफल होता है या फेल होता है उसके पीछे एक बहुत सॉलिड वाई का कारण होता है। ऐसा एक कौन सा वाई है जिसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे और जिसके वजह से हम लोग सफल होंगे, ये आज आपको तय करना पड़ेगा। दोस्तों ये आपको तय करना पड़ेगा कि मोदी केयर से आप क्या लेना चाहते हो अगले 6 महीने में, अगले 1 साल में, क्योंकि वाई ही एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से कोई भी इंसान इसमें सफल होता है। मेरा वाई बहुत क्लियर था, मेरी 2 बेटियां थी, मेरी जॉब के ऊपर से डिपेंडेंसी थी, मेरे को ये था कि जॉब चली गई तो घर का खर्चा कैसे चलेगा, जॉब चली गई तो मैं कैसे अपना घर ले पाऊंगा, और उस वाई ने मेरे को पुश किया इस बिजनेस को आगे बढ़ने में। तो दोस्तों सबसे पहले आप क्लियर करिए कि आपका कारण क्या है मोदी केयर में, ऐसी कौन सी चीज है जो आप अभी तक अपने जॉब या बिजनेस से पूरी नहीं कर पाए, और ऐसी कौन सी चीज है जो आपको मोटिवेट करती है इस बिजनेस को करने के लिए, और उसके बाद होता है व्हाट और हाउ। तो अगर आपका वाई क्लियर हो गया तो व्हाट और हाउ तो हम क्लियर कर देंगे कि कैसे इस काम को करना है। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है वाई, तो आज आपको ये पता करना है कि वाई क्या है अपना। अब दोस्तों करने के लिए तो बहुत कुछ है इस दुनिया में, काम करने के लिए बहुत सारे काम है। आप फ्रीलैंसिंग कर सकते हो, आप छोटा मोटा बिजनेस कर सकते हो, आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हो, बट वाई आई फाउंड नेटवर्क मार्केटिंग बेस्ट प्लेटफॉर्म। मैं क्यों आपको बताना चाहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग सबसे बेस्ट है, इसके पीछे मैं कुछ फैक्ट्स, कुछ तथ्य आपको देना चाहूंगा जो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी ला देंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग ही इस समय बेस्ट ऑप्शन है पैसे कमाने का, जिंदगी में आगे बढ़ने का। दोस्तों हर एक चीज जो आप चाहते हो, जो आप सोचते हो, वो हर एक चीज प्राप्त की जा सकती है नेटवर्क मार्केटिंग से। वो चाहे नेम एंड फेम हो, दोस्तों आपको इतना मान सम्मान मिल सकता है जो कि शायद किसी फिल्म स्टार को मिलता हो। कल मैं फेसबुक पे फॉलोअर देख रहा था तो मैंने किसी एक फॉलोअर, किसी एक्टर एक्ट्रेस का फॉलोअर देखा तो उसके कुछ मिलियन फॉलोअर थे, और उसके बाद मैंने सुरेखा मैम के फॉलोअर देखा वो उससे ज्यादा थे। तो दोस्तों आज के रेट में आप नेटवर्क मार्केटिंग से फिल्म स्टार से भी ज्यादा नाम शोहरत ले सकते हो, ये पावर है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, दोस्तों कोरोना में जब लोग परेशान हैं तो मोदी केयर से इनकम यहाँ पर बहुत सारा बढ़ रहा है, तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। उसके बाद वर्क लाइफ बैलेंस है, आप कितने घंटे काम करना चाहते हो, आप कब काम करना चाहते हो, आप सुबह काम करना चाहते हो या शाम को, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हो, और इसमें वर्क लाइफ बैलेंस है, आपका जब मन करे तो आप काम करिए। बहुत सारे लोग फ्री हो चुके हैं तो वर्क लाइफ बैलेंस देता है। फैंसी कार, दोस्तों बहुत अच्छी अच्छी कार लोग लेते हैं, बहुत ही यंग पर्सनैलिटी है अक्षय दत्ता जी जिन्होंने अभी जैगुआर कार ली है और वो इंस्पिरेशन है। बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने अपने मनपसंद सपनों की कार ली है, तो अगर आपका भी सपना है कार का तो मोदी केयर आपको कार फंड भी देता है। इसके बाद चैरिटी, जी हाँ दोस्तों आप अपने देश के लोगों की सहायता भी कर सकते हो, चैरिटी कर सकते हो, जब पैसा आएगा तो आप जो मन चाहे वो कर सकते हो। बड़ा हाउस, दोस्तों मैंने भी अभी अपना हाउस लिया जस्ट बिकॉज ऑफ मोदी केयर, तो आप भी अपना सपनों का घर ले सकते हो। वर्ल्ड टूर, दोस्तों साल में 2 बार विदेश यात्रा आपको मिलती है, इसके अलावा भी बहुत सारी यात्राएं हैं जो मोदी केयर आपको देता है। क्वालिटी टाइम विद फैमिली,
दोस्तों आप जितना चाहो उतना टाइम अपने परिवार के साथ बिता सकते हो। मोदी केयर बिजनेस में नेटवर्क मार्केटिंग का ये एक बहुत अच्छा फायदा है। और अपने बच्चे को अपने शहर के सबसे बेस्ट स्कूल में आप भेज सकते हो, क्योंकि जब लाखों रुपए आएगा मोदी केयर से तो आपको आपको चूज करना है कि किस स्कूल में आप भेजना चाहते हो। तो दोस्तों ये सब कुछ एक कॉमन रीजन है जिसकी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। अब बात करते हैं फैक्ट्स के ऊपर। बात दोस्तों, मैं एक इंजीनियर हूँ और मेरे को फैक्ट समझ में आता है, मेरे को नंबर समझ में आते हैं, क्योंकि नंबर सबको समझ में आते हैं। तो दोस्तों नंबर क्या बोलते हैं, गूगल क्या बोलता है कि आज के डेट में $1 trillion का बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग। और दोस्तों तकरीबन $400 billion, अगर आप इसको रुपीज में निकालोगे तो 75 से मल्टीप्लाई कर लो, इतना अरबों खरबों रुपया है जो कमीशन में बढ़ता है। और दोस्तों अगले 5 साल में इंडस्ट्री जो है ये जब $1 trillion की हो जाएगी तो सोचो ये जो कमीशन है कितना ज्यादा बढ़ेगा, इतने बड़े केक का कितना बड़ा हिस्सा आप अपने घर पे लेकर जाना चाहते हो, ये आपको डिसाइड करना है आज। क्योंकि अभी आपने बिजनेस ज्वाइन किया है और आप नए इस बिजनेस में, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं वो इंडस्ट्री सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली इंडस्ट्री है। और दोस्तों वाई नॉट डायरेक्ट सेलिंग विथ अदर इंडस्ट्री हैविंग दिस प्रॉब्लम। दोस्तों कोरोना प्रूफ इंडस्ट्री है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रूफ इंडस्ट्री है। आज के डेट में ऐसा आ रहा है कि हर चीज मशीनें करेंगी, बट दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा काम है जो कि मशीनें नहीं करेंगी, इसमें आपका जॉब बिल्कुल सेफ है। और दोस्तों आज के डेट में 12 यूनिवर्सिटीज है इंडिया के अंदर जिसमें MBA के प्रोग्राम में डायरेक्ट सेलिंग को लॉन्च किया गया है। कई लोग सोचते हैं ये लोगों को जोड़ने का काम है, बट दोस्तों ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बिजनेस है। आप खुद सोचो जो बिजनेस महीने का करोड़ों रुपए दे सकता है वो बिजनेस कितना बड़ा होगा। और दोस्तों दुबई में तो 2 साल का क्रैश कोर्स भी हो रहा है MBA का, जो आप जाकर कर सकते हो। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्लास 12th के सिलेबस में डायरेक्ट सेलिंग आ चुका है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी इसको स्किल इंडिया और वुमेन एम्पावरमेंट से जोड़ के इसको आगे काम कर रहे हैं। तो ये इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत अच्छा है। अभी हमने देखा कि फ्यूचर बहुत अच्छा है, बट दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में वाई मोदी केयर? कंपनियां तो बहुत सारी हैं, बट मोदी केयर ही क्यों करना है, इसके पीछे का कुछ फैक्ट आपको बताना चाहेंगे। दोस्तों फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है इंडिया के अंदर, जो कि 87 years plus old है। दोस्तों 87 साल पुरानी कंपनी है भारत के अंदर, इतना पुराना ग्रुप है। और 27 कंपनीज हैं मोदी ग्रुप के अंदर जो कि 90 countries के अंदर। अगर आप दिल्ली NCR में हैं तो आपने देखा होगा 24/7 सुपर मार्केट जो कि 24 घंटे खुला होता है, कन्वेंशनल स्टोर दिल्ली हरियाणा गुड़गांव वो भी अपना है। इसके अलावा कलर बार कॉस्मेटिक आपने सुना होगा वो भी हमारा है। उसके अलावा बहुत सारे इंडोफिल केमिकल, बहुत बहुत सारी कंपनियां हैं। दोस्तों इतनी बड़ी ग्रुप के साथ आप जुड़े हो तो इसके लिए तो मैं अपने आप को बहुत किस्मत वाला समझता हूँ और आप सब भी बहुत किस्मत वाले जो आप इतने बड़े ग्रुप के साथ जुड़े हुए हो। और दोस्तों अगर बात की जाए तो ये थर्ड जनरेशन का बिजनेस है। सबसे पहले गुज्जरमल मोदी जी आए, फिर KK मोदी जी आए और आज समीर मोदी जी बिजनेस को बहुत ही पैशनेटली तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। और दोस्तों बहुत गर्व होता है ये बोलते हुए कि भारत के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग की नींव रखने वाली भी हमारी कंपनी मोदी केयर पहली कंपनी है। इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं विथ 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन गारंटी। दोस्तों आप कोई भी सामान लेते हो उसको ओपन करो, यूज करो और 25% तक यूज करने के बाद भी अगर आपको क्वालिटी पसंद नहीं आई तो आप उसको वापस करके अपने पूरे पैसे ले सकते हो। दोस्तों इस तरह की गारंटी वही कंपनी दे सकती है जिसको अपने क्वालिटी के ऊपर 100% भरोसा हो। तो क्वालिटी बहुत अच्छी है, जब मैं प्रोडक्ट को हाथ में लेता हूँ, जब मैं उसको टच करता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कहीं इम्पोर्टेड प्रोडक्ट में यूज कर रहा हूँ, कहीं विदेश से मैंने प्रोडक्ट मंगाया, इतनी अच्छी क्वालिटी और विथ नेशनल कंपनी, मतलब स्वदेशी कंपनी और एक्सपोर्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट ये आपको मिलते हैं मोदी केयर में। और दोस्तों हर एक प्रोडक्ट पे आपको मिल जाता है 50% से ज्यादा डिस्काउंट, और अभी नया लॉयल्टी ऑफर आने के बाद तो 120% आपको लॉयल्टी ऑफर में प्रोडक्ट फ्री मिल रहे हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। और दोस्तों 62% पे आउट पे कर रहा है, हिंदुस्तान में बहुत कम कंपनियां हैं जो इतना ज्यादा पे आउट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। दोस्तों मोदी केयर सबसे ज्यादा पे आउट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है जो कि 62%, मतलब कंपनी को जितना भी कमीशन जितना भी रेवेन्यू आता है उसका 62% कंपनी पैसा हम लोगों को दे देता है इन द फॉर्म ऑफ कमीशन। अपॉर्चुनिटी स्टार्ट बिजनेस विद जीरो इन्वेस्टमेंट। दोस्तों आपको इस बिजनेस में ज्वाइन करने का 1 रुपए भी कंपनी नहीं लेती, आप जो पैसा देते हो उसके बदले में आप सामान लेते हो, ज्वाइनिंग एब्सोल्युटली फ्री है, मतलब बिना पैसा लगाए आप करोड़पति बन सकते हो, ये एक मौका है। 2014-15 में कंपनी का जो टर्नओवर हुआ करता था वो हुआ करता था मात्र 95 करोड़ प्रति वर्ष, केवल 95 करोड़ का टर्नओवर होता था साल के अंदर। और दोस्तों ये बढ़ के इस समय की अगर बात करूं तो तकरीबन 200 करोड़ से 250 करोड़ के DP वैल्यूज के प्रोडक्ट हम लोग सेल करते हैं ऑल इंडिया। दोस्तों कितनी बड़ी बात है कि इतना बड़ा टर्नओवर हम क्रिएट करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमारे कंपनी का जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो कितना स्ट्रांग है और हम लोग कितने अच्छे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और दोस्तों 157 प्रोडक्ट तो नए लॉन्च हुए केवल लॉकडाउन के अंदर, जब सारी कंपनियां बंद हो रही थी, लोग सोच रहे थे बिजनेस कैसे चलेगा,
उस टाइम में हमारी कंपनी मोदी केयर नए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही थी, और आज के डेट में दोस्तों 4 नए प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं, सांबर मसाला, पाव भाजी मसाला। तो दोस्तों लॉकडाउन में जो कंपनी इतना बड़ा कमाल कर सकती है, सोचो जब लॉकडाउन हटेगा तो हम लोग कितना बड़ा हंगामा करने वाले हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। 50+ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होने वाले हैं अगले 6 महीने में, बासमती राइस, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट लॉन्च होने वाले हैं। बस आप लोग दिल थाम के बैठिए और देखते जाइए हमारी कंपनी क्या क्या करने वाली है धमाल। वेरी सून मोदी केयर इज गोइंग टू लॉन्च 7 न्यू कंट्रीज। दोस्तों लंदन के अंदर हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, बहुत सारे नए नए कंट्रीज में हम लॉन्च करने वाले हैं। अब जो जो लीडर सीरियसली बिजनेस को बिल्ड कर रहा है, जो जो लोग ऑनलाइन बिल्ड कर रहे हैं, उनके लिए तो कहते हैं ना 5 उंगलियां घी में है, क्योंकि इंडिया में तो बहुत सारे लोग जुड़ गए, बट अभी पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक जुड़े नहीं है। पूरा वर्ल्ड जो है हम उसमें राज करने वाले हैं। दोस्तों बहुत अच्छी बात है कि इस कंपनी से प्रतिदिन तकरीबन 10,000 लोग ज्वाइन होते हैं। आप सोचो कंपनी कितनी बड़ी है, जिस कंपनी में प्रतिदिन 10,000 लोग ज्वाइन होते हैं वो कंपनी कितनी अच्छी होगी। और बहुत ही जल्दी दोस्तों हमारी कंपनी फॉर्च्यून 500 में जानी है। और एक बहुत बड़ी न्यूज आपको और देखना चाहता हूँ, ग्रेट प्लेस टू वर्क एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बताता है कौन सी कंपनी में काम करना हमारे लिए अच्छा है। तो दोस्तों मिड साइज में रिटेल में हमारी कंपनी मोदी केयर को टॉप 5 में रखा गया है ग्रेट प्लेस टू वर्क में। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, हमारी कंपनी कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। तो दोस्तों अभी तो ये क्लियर हो गया कि मोदी केयर कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, तो एक चीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि आपका जो डिसीजन है मोदी केयर में काम करने का वो बेस्ट है। तो दोस्तों क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, इस चीज की गारंटी मैं आपको देना चाहूंगा कि मोदी केयर से बढ़िया कंपनी आज के तारीख में पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है, ये इन फैक्ट के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि महंगाई जिस तरह से आगे बढ़ रही है तो क्या हमको नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। दोस्तों महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है, 1960 में एक घर में खर्चा चलने के लिए 100 रुपए लगता था, और आज के रेट में दोस्तों 2020 में 1,00,000 रुपए लगता है घर चलाने के लिए। इसमें कोई लग्जरी लाइफ नहीं है, सिंपल दाल रोटी की बात कर रहे हैं, ब्रेड बटर की बात कर रहे हैं। दोस्तों इसी तरह से महंगाई बढ़ती रही तो 2040 में प्रति महीने 10,00,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग कहाँ से इतना पैसा लाएंगे। मोदी केयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट देता है। दोस्तों हमारे कंपनी में बहुत सारे ऐसे यंग लोग हैं जो आज के रेट में महीने का 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख बना रहे हैं बहुत कम एज में, क्योंकि यहाँ पर टाइम कंपाउंडिंग होता है, टाइम मल्टीप्लीकेशन होता है, तो पैसा बहुत सारा आता है। दोस्तों अगर बात की जाए नेटवर्क मार्केटिंग की तो ये ट्रेडिशनल बिजनेस से कैसे अलग है इसको समझ लेते हैं। एक कंपनी प्रोडक्ट बनाती है 25 रुपए का, फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी पेन बनाती है 25 रुपए का, और उसको एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी मिस्टर अमिताभ बच्चन जी उसको ऐड करते, तो उस पेन को बनाने में और ग्राहक तक उस सामान को पहुंचाने में बीच में बहुत सारे मीडिएटर्स होते हैं, दुकान वाला, रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, प्लस वो सेलिब्रिटी, तो उसका कॉस्ट बढ़ के 25 रुपए के सामान का 100 रुपए हो जाता है जब आप वो पेन खरीद के लाते हो। बट डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, बीच के लोगों को हटा दिया जाता है और वो सारा पैसा सीधे कस्टमर के जेब में आता है। अब आप किसी को बताओगे कि ये पेन अच्छा है, वो पेन बिकेगा, तो पूरा का पूरा 70% पैसा आपके जेब में, हमारे जेब में जाएगा। तो दोस्तों इस कंपनी से हम लोग बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, बहुत सारे लोग कमा रहे हैं। और दोस्तों आइए देखते हैं एक्सपेंसिव लाइफ। दोस्तों इस एग्जांपल में आप देख सकते हो नीचे राइट साइड में नीचे कि अगर कोई आदमी है मिडिल क्लास फैमिली से जो बिलोंग करता है, और अगर वो हर महीने 3,000 का सामान खरीदता है, तो एक साल तक हर महीने लेता है, एक साल तक, और 70 साल तक लेता है एक आदमी पूरे जीवन में। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो 25,20,000 का सामान वो लेता है, और अगर वही सामान वो मोदी केयर से लेता तो तकरीबन 1,76,000 का तो वो पैसा कमा चुका होता केवल प्रोडक्ट खरीद के। चलो ठीक है, गरीब फैमिली की बात कर लेते हैं, कोई गरीब से गरीब आदमी भी 1,000 का तो सामान लेता ही होगा साल भर में, तो 70 साल में उसने तकरीबन 8,40,000 का सामान लिया। अगर वही सामान वो मोदी केयर से लेता तो 70% कमीशन डिस्ट्रीब्यूट होता, तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो 5,88,000 रुपए तो कमीशन से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता उसके सामान खरीदने का। तो एक छोटी सी कैलकुलेशन है जो ये हमको बताती है कि केवल दुकान बदल के लोगों को ये चीज समझाकर हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं, अपने देश को इम्पावर कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। अब बात आती है कि आखिर क्या फायदा है। अगर मैं आपको 2 मिनट में बताना चाहूँ कि मोदी केयर में और बाहर की दुकान में क्या फायदा है मोदी केयर में, तो आइए इस टेबल को देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर है, अगर गारंटी की बात करें तो क्या बाजार में किसी प्रोडक्ट की गारंटी मिलती है। अगर आप बाजार का कोई ब्रांड का सामान लाओ, उसको खोल के यूज करो और पसंद नहीं आया तो क्या वापस कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं दोस्तों, खुला पैकेट कभी वापस नहीं होता। बट मोदी केयर में खुला छोड़ो 25% यूज किया सामान भी कंपनी हंसते हंसते वापस ले सकती है, और आपको उसके बदले में या तो दूसरा प्रोडक्ट या तो पूरे पैसे दे सकती है। आप किसी भी MSC स्टोर पे सामान वापस कर सकते हो। इसके अलावा डिस्काउंट की बात करें
तो मोदी केयर में आते ही आपको एमआरपी से आजादी मिल जाती है। कोई भी सामान आपको एमआरपी पर नहीं खरीदना, एमआरपी से आजादी, हर एक सामान पर 10-20% तक का आपको डीपी वैल्यू का प्रोडक्ट मिल जाता है, मतलब डिस्काउंट मिल जाता है एमआरपी से। ऑफर की बात करें, मार्केट में आपको कोई गिफ्ट नहीं मिलते, बट मोदी केयर से जैसे ही आप 1000 का प्रोडक्ट लेते हो 100-125 का सामान फ्री मिलता है, जैसे ही आप 2000 का प्रोडक्ट लेते हो 200 रुपीज का प्रोडक्ट फ्री मिलता है, 10% से 12% का प्रोडक्ट तो आपको फ्री मिलते हैं हर महीने इन रीपर्चेज और न्यू ज्वाइनिंग ऑफर में। कैशबैक की बात करें दोस्तों, तो 7% से 16%, इसको कम करके यहाँ 5% लिखा है, कम से कम आपको 7% कैशबैक तो मिलता ही मिलता है अपनी खरीदी का, अपने खुद के सामान खरीदने का पैसा भी कंपनी देती है। लॉयल्टी की बात करें तो तकरीबन 20% का लॉयल्टी हर महीने का आपको फायदा होता है, जो कि मार्केट में नहीं होता था। मार्केट में आप 10 साल भी सामान खरीद लो, आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा 2 महीने बाद फ्री, 4 महीने बाद फ्री, 6 महीने बाद फ्री। और दोस्तों मोदी केयर में तो 2 महीने सामान लो 3रे महीने सामान फ्री लॉयल्टी ऑफर में, 4 महीने सामान लो 5वें महीने सामान फ्री, 6 महीने सामान लो 120% का सामान बिल्कुल फ्री हो जाता है। इतने अच्छे अच्छे ऑफर्स हैं। अगर हम इन सारे ऑफर्स को समराइज करते हैं तो हम ये पाते हैं कि बाजार से जो सामान हमको फुल रेट में पड़ रहा था उस सामान में तकरीबन 55-60% का डिस्काउंट मिल जाता है। तो दोस्तों आज के रेट में स्मार्टफोन का जमाना है, पुराने वाले नोकिया फोन छोटे वाले चले गए हैं, तो आज के रेट में स्मार्ट कस्टमर का जमाना है। तो स्मार्ट कस्टमर मोदी केयर से जुड़ता है और जो नॉर्मल कस्टमर है वो बाजार से लेता है, क्योंकि बाजार से कोई फायदा नहीं है और मोदी केयर से बहुत सारा फायदा है। तो दोस्तों जैसा कि आज न्यू कंसल्टेशन प्रोग्राम है, तो यहाँ पर मोदी केयर में बहुत सारे न्यू टर्म्स होते हैं, न्यू शब्द होते हैं जिनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एमआरपी से तो हम सब लोग अवगत हैं कि एमआरपी क्या होता है। तो दोस्तों कोई भी प्रोडक्ट आप लोगे तो उसके ऊपर एमआरपी लिखा होता है, जैसे मेरे हाथ में आंवला कैंडी है, इसके ऊपर एमआरपी है 265 रुपीज, ठीक है। तो इसके ऊपर जो प्रिंट रेट होगा वो होगा एमआरपी, जिसको हम लोग बोलते हैं अधिकतम खुदरा मूल्य। बट मोदी केयर में जब आप जुड़ते हो तो आपको कोई भी सामान एमआरपी पर नहीं मिलता है, आपको वो प्रोडक्ट डीपी प्राइस में मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। कई लोग इसको डिस्काउंटेड प्राइस भी बोलते हैं, बट सही जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। तो इसका डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है 250 रुपीज, तो हमको ये सामान हमेशा डीपी प्राइस पे मिलेगा, तो उसको बोलते हैं डीपी प्राइस। अब बात करते हैं रिटेल मार्जिन क्या होता है। जब आप सामान आपने लिया 265 एमआरपी था और आपको 250 में मिला, तो आप इसको किसी को सेल करके जो बीच का पैसा है उसको आप अपने जेब में रख सकते हो, उसको रिटेल मार्जिन करते हैं। मतलब डीपी पर खरीदा, एमआरपी पर सेल कर दिया, तो बीच का जो पैसा है उसको हम बोलते हैं खुदरा लाभ या रिटेल मार्जिन। उसके बाद आती है बिजनेस वॉल्यूम की। तो दोस्तों बिजनेस वॉल्यूम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मोदी केयर में हम लोग अपनी बीवी को भूल सकते हैं, बट ये वाली बीवी को नहीं भूल सकते, क्योंकि इस वाले बीवी से बहुत सारा पैसा आता है, क्योंकि जो कमीशन कैलकुलेट होता है, जो पैसा बढ़ता है, वो इसी वाले बिजनेस वॉल्यूम पे होता है। कोई सामान के ऊपर कितना पैसा आपको मिलेगा ये डिसाइड करता है उस सामान के ऊपर का बिजनेस वॉल्यूम का। इसीलिए हम लोग ये सबको बोलते हैं कि जो भी प्रोडक्ट हाई बीवी के प्रोडक्ट हैं, जैसे हेल्थ के सेगमेंट, उस पर हम अच्छे से फोकस करें, लोगों को हेल्प कर पाए अपनी हेल्थ अच्छे रखने में, प्लस हमको बहुत सारा रोकड़ा भी आए, तो इसलिए हाई बीवी के प्रोडक्ट हम लेते हैं और लोगों को एजुकेट करते हैं कि ज्यादा बीवी का प्रोडक्ट सेल करोगे, ज्यादा प्रोडक्ट कंज्यूम करोगे तो उतना सारा पैसा आपको आएगा। जनरली 50-60% का बिजनेस वॉल्यूम हमको हर एक प्रोडक्ट में दिया जाता है। जैसे अगर बात करें कि एग्जांपल लेकर 75 का अपना टूथपेस्ट आता है फ्रेश मूवमेंट, उसका डीपी प्राइस होता है 62 रुपीज। अब उसमें बिजनेस वॉल्यूम की बात करें तो बिजनेस वॉल्यूम उसमें होता है 31, तो 31 जस्ट हाफ हो गया, तो 50% का बिजनेस वॉल्यूम हमको हर एक प्रोडक्ट में दिया जाता है। उसके बाद करते हैं पॉइंट वैल्यू। तो दोस्तों पॉइंट वैल्यू क्या होता है, हर एक प्रोडक्ट के ऊपर पॉइंट वैल्यू होता है, और जो अपना रैंक सिस्टम है, मतलब जो अपना कैशबैक मिलता है वो मिलता है इस पॉइंट वैल्यू के हिसाब से, जिसको हम लोग बोलते हैं पीवी, पॉइंट वैल्यू। तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, एक पीवी में 27 बीवी होता है। जनरली पीवी का कॉन्सेप्ट इसलिए आया कि बहुत ही जल्दी जब हम लोग विदेश में जाएंगे तो हर एक कंट्री का अलग अलग करेंसी होता है, तो उसको मैनेज करने के लिए पीवी का कॉन्सेप्ट आया है, और पीवी चेंज होता रहता है। अभी फिलहाल ये 1:27 का रेशियो है। पीपीवी क्या होता है, पर्सनल पॉइंट वैल्यू। आप जब मोदी केयर का ऐप लॉग इन करते हो तो वहां पर आपको ये सारे टर्म दिखेंगे, तो जहां पर पीपीपी लिखा होगा इसका मतलब आपका जो खुद का खरीदारी है, दैट इज कॉल्ड पीपीवी, पर्सनल पॉइंट वैल्यू, जिसमें केवल आपका खरीदारी है, आपके टीम का खरीदारी नहीं है। इसके अलावा मिनिमम परचेज की बात करें तो अगर आप नए हो, 16% से कम हो, तो आपको मिनिमम 350 बिजनेस वॉल्यूम का सामान खरीदना पड़ता है, अगर आप चाहते हो कि आपके अकाउंट में पैसा आए, रोकड़ा है। और अगर आप डायरेक्टर या एबव हो तो एवरी मंथ मिनिमम 26 पीवी का सामान या 700 बीवी का सामान खरीदना पड़ता है, तभी आपको कमीशन आएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए।
दोस्तों अब बात करते हैं अनलिमिटेड प्लान की। हमारे प्लान का पहले नाम था FMAP, समीर मोदी आजादी प्लान, बट लास्ट ईयर दिवाली में समीर मोदी जी ने बोला कि हम इस प्लान में चेंज करते हैं, हम और ज्यादा पैसे कमाने का मौका देते हैं, तो इस प्लान का नाम बदल के कर दिया गया अनलिमिटेड प्लान। मतलब इसमें इतना पैसा है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। कोई इंसान आता है, एक समंदर होता है, कोई आदमी आता है उसमें चम्मच से पानी लेकर जाता है, दूसरा आदमी आता है उसमें लोटा से पानी लेकर जाता है, तीसरा आदमी आता है वो बाल्टी से पानी लेकर जाता है, और हम जैसे नेटवर्कर उसमें टुल्लू पंप लगा लेते हैं। समीर मोदी आजादी प्लान एक समंदर है जिसमें करोड़ों रुपए हैं। अब डिसाइड आपको करना है कि आप चुल्लू पर पानी लेकर जाना चाहते हो या आप टुल्लू मोटर लगा लेते हो और हर महीने लाखों रुपए अपने घर में लेकर जाना चाहते हो। तो दोस्तों आइए डिस्कस कर लेते हैं कितने तरह की इनकम है यहाँ पर शॉर्ट में। तो दोस्तों सेविंग ऑन कंजप्शन, आप जो सामान यूज करते हो MRP पर तो मिलता नहीं, आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर मिलता है, DP पर मिलता है, तो 20% का आपको डिस्काउंट मिल गया, पहला फायदा। दूसरा फायदा है रिटेल प्रॉफिट, DP पे सामान लो, MRP पर सेल कर दो, बीच का पैसा कमा लो, ये हो गया दूसरा फायदा। तीसरा फायदा अपने ही सामान खरीदने पर हमको आता है कैशबैक, जैसे आप गैस का सिलेंडर लेते हो उसमें सब्सिडी आ जाती है आपके अकाउंट में, ठीक उसी तरह मोदी केयर से जब आप सामान लेते हो, जितना भी सामान खरीदते हो उसके ऊपर जितना भी बिजनेस वॉल्यूम होता है उसका 7% से 16% अगले महीने के 9 तारीख को खटाक से SMS आता है और वो सारा पैसा आपके अकाउंट में चला जाता है। इसके बाद डायरेक्टर बोनस मिलता है, जब भी आप 4001 पॉइंट कर लेते हो आप और आपकी टीम मिलके, तो कंपनी आपको अपने टोटल टर्नओवर का एक्सक्लूसिवली 4% पैसा बांटती है। ये इनकम लेने के बाद आराम से 5 to 10,000 का इनकम आप कर सकते हो। इसके बाद टीम बिल्डर बोनस होता है, जब आप सीनियर डायरेक्टर बन जाते हो तो आपको टीम बिल्डर बोनस मिलता है जो कि 14% पूल से दिया जाता है। उसके बाद लीडरशिप बोनस होता है जो कि मोदी केयर का सबसे बड़ा इनकम है। हाँ जी। हेलो ब्रिसर, आपको 3 to 5 मिनट में खत्म करना पड़ेगा, थोड़ा स्पीड अप करो सर। ओके थैंक यू। तो दोस्तों लीडरशिप बोनस होता है जो कि 15% का होता है। उसके बाद ड्रीम ट्रेवल बोनस होता है जो कि कार खरीदने का मिलता है जब आप 3 लाख में डायरेक्टर बनाते हो। उसके बाद ट्रेवल बोनस होता है जो कि जब आप सीनियर डायरेक्टर मिलते हो तो मिलता है, साल में 2 बार विदेश यात्रा। उसके बाद कार फंड मिलता है, आपको कार खरीदने का मौका मिलता है जब आप 3 डायरेक्टर्स बना लेते हो अपने नीचे। उसके बाद हाउस बोनस मिलता है जो कि 6 लाख के बाद मिलता है, और दोस्तों 21 लाख रुपए प्रति मंथ आपको कंपनी देती है मैक्सिमम अटूट बंधन बोनस में, जो कि क्राउन डायमंड डायरेक्टर को मिलता है जब आप 8 लाख डायरेक्टर बना लेते हो। तो दोस्तों यहाँ पर एक टेबल देख रहे हो जिससे हम समझ सकते हैं कि आपका लेवल क्या है। जब आप 1 PV का सामान लेते हो लगभग 50 रुपए का, तो आप 7% पे होते हो। जब आप और आपकी पूरी टीम मिलकर 301 PV का सामान ले लेती है तो आप 10% पे हो जाते हो। 10% का मतलब यह है अपने सामान खरीदी का 10% कैशबैक आएगा। फिर जब आप 1201 PV कर लेते हो तो 13% पे, फिर 2701 कर लेते हो तो 15 पे, और 16% पे आप पहुंच जाते हो 4001 PV करने पर। अपने सामान खरीदी का 16% प्लस अपने डाउनलाइन के शॉपिंग का आपको मिल जाता है 9%, डिफरेंशियल इनकम आपको मिल जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं इस बिजनेस में एक्शन ऑफ राइजिंग स्टार। अगर आप भी एक स्टार बनना चाहते हो, इस बिजनेस में धमाका करना चाहते हो, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा ये समझ लेते हैं। दोस्तों कम से कम एक प्लान तो आपको दिखाना है, या तो आप प्लान दिखाइए, या तो आप प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाइए, या तो आप चर्चा करिए, किसी से भी चर्चा करिए मोदी केयर की। एक लोगों से कम करनी है, एक ट्रेनिंग पर वीक आपको करनी है। दोस्तों अभी तो कमांडो ट्रेनिंग है, हर अल्टरनेट डेज पे आपको मिलेगा, तो ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। इंडिविजुअल स्पॉन्सरिंग पर वीक, चाहे आप वीडियो चाहे आप ज्वाइन किए हो, हर हफ्ते कम से कम एक लोग को ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों अब बात करते हैं, नए लोगों को समझ में नहीं आता है कि सर 1 लाख बनाऊं, 2 लाख बनाऊं, 3 लाख बनाऊं, सबसे ज्यादा पैसा कितने में आएगा। तो दोस्तों फॉर स्टार्टिंग नए लोगों को मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर आपने 4x4 का स्ट्रक्चर यूज किया तो आप मोदी केयर में स्टार्टिंग में बहुत सारा पैसा बना सकते हो। 1 लाख से 1.5-2 लाख रुपए तो आपको प्योर 4 लाख में आ सकता है। तो करना क्या है, खुद 100 PV का सामान लेना है और अपने नीचे 4 लोगों को ज्वाइन कराना है, एटलीस्ट 4 लाख बनानी है, और यही चीज नीचे नीचे डुप्लीकेट करनी है। जब आप 100 PV का सामान कोशिश करोगे लेने का और यही चीज नीचे डुप्लीकेट करोगे, तो आप ऐसा देखोगे कि ओनली 3rd leg में तीन लेवल नीचे जाकर आपको जो पैसा आ जाएगा वो आ जाएगा 7,600 रुपए। तो दोस्तों काम करना है हमको स्मार्टली। ये बोलता है कि 4 लेग आपको कम से कम बनानी है। आप कैसे याद रखोगे, गाय के 4 पैर होते हैं, एक टेबल के 4 पाए होते हैं, तो 4 लेग आपको ध्यान रखना है और सारे ऑफर्स आपको मिलेंगे 4x4 के स्ट्रक्चर पे, इसको ध्यान रखना है। तो दोस्तों मेरा सफर यहीं तक का था, आई होप मैं आपको कुछ सिखा पाया हूंगा। तो अगेन आपको मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा, और आगे का ये सेशन बढ़ाने के लिए मैं बहुत ही यंग एंड डायनेमिक पर्सनालिटी को बुलाना चाहूंगा जो कि आज हमारे टीम में यूट्यूब सेंसेशन है। दोस्तों एक वीडियो डालते ही 2 घंटे में 1,000 से 2,000 व्यूज हो जाते हैं, और इनकी टीम में इनके आसपास के नहीं पूरे भारत के कोने कोने से लोग जुड़े हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही
समझा, अंकित केसरवानी जी की बात कर रहा हूँ। तो आगे का प्रोग्राम बढ़ाने के लिए मैं इन्वाइट करना चाहूंगा अंकित केसरवानी जी को। तो अंकित जी, ओवर टू यू। थैंक यू ब्रिज सर। सबसे पहली बात मैं आपकी तारीफ करना चाहूंगा कि आपने बड़े अच्छे से, बड़े डिटेल में सारे नए लोगों को बताया कि कैसे हम इस बिजनेस को आगे ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज क्या होती है, जब भी आप बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हो तो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आपके मन में आता है कि शुरुआत में हमें क्या चीजें करनी चाहिए। मोदी केयर ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन शुरुआत में हमें करना क्या चीजें है, तो उसके बारे में मैं आज आपको बड़े डिटेल से बताने जा रहा हूँ। इस 15 से 20 मिनट का सेशन और ये होने वाला है, आप इस पे बने रहो और इस सेशन के माध्यम से मैं आपको वो बातें अब बताने जा रहा हूँ जो एज अ नए कंसल्टेंट आपको बहुत जरूरी है। चलिए हम बात करते हैं वो 10 कदम, शुरुआत के 10 कदम आपको कौन से लेने हैं। सबसे पहली बात, जैसे आप मोदी के का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आपको अपना सपोर्ट चार्ट जानना है। सपोर्ट चार्ट क्या होता है, जिन्होंने आपको मोदी केयर के बिजनेस में लाया उनके डायरेक्टर अपलाइन और उनके जीबीडी अपलाइन जो भी है, तो कम से कम 3 से 4 अपलाइन का नंबर आपके पास होना चाहिए। अगर दूसरी चीज की बात करूं, जब आपने अपना सपोर्ट चार्ट जान लिया तो आपको गोल सेटिंग करनी है, क्योंकि बिना गोल के आप मोदी केयर के बिजनेस को नहीं कर सकते। देखिए, दाल रोटी तो आपकी भी चल रही है, दाल रोटी सबको ही खा रहे हैं, लेकिन अगर हर महीने पनीर ताज होटल में खाना हो तो उसके लिए सपने होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको 3 तरह के गोल सेट करने हैं, छोटे गोल, मीडियम गोल और बड़े गोल। बड़े गोल आप ऐसे डिफाइन करो। तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बनाना है प्रोस्पेक्ट लिस्ट। आपके सपने आ गए हैं, अब आप किसको बताओगे, किन लोगों को आप अपने साथ बिजनेस में लाना चाहते हो, उनकी लिस्ट बनाइए। कम से कम 200-300 लोगों की लिस्ट बनाइए ताकि आपके पास ज्यादा लोग हो। चौथी चीज, जब आपने लिस्ट बना ली है तो आपको प्रोडक्ट को सेल्फ यूज करना है। ऐसा नहीं है कि जिस थाली में खा रहे हैं उसी थाली में छेद कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं मोदी केयर में और साबुन लगा रहे हैं लक्स का, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जिस बिजनेस में आए हैं उस बिजनेस के प्रोडक्ट को आप जरूर यूज करें। पांचवी चीज, जब आप यूज करोगे, आप प्रोडक्ट से सेटिस्फाई रहोगे तो आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ इस प्रोडक्ट को अपने लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। तो आपको शेयर करना है। जब आपने शेयर किया, छठा स्टेप आपको क्या करना है, शेयरिंग करने के बाद आप उनको इनवाइट करोगे, वो लोग मीटिंग देखेंगे, तो आपको स्पॉन्सर के ऊपर ध्यान देना। जैसा कि अभी ब्रिज सर ने बताया था कि हमें 4 लोगों को एटलीस्ट स्पॉन्सर करना है शुरुआत में, तो आप स्पॉन्सर करना सीखोगे। सातवीं चीज, स्ट्रक्चर ऑलरेडी बिजनेस ने बता दिया है, एटलीस्ट इस बिजनेस को आप 4 लोगों के साथ स्टार्ट करो और हाईली रिकमेंडेड है आप 6 लेग के साथ भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्ट्रक्चर ही डिफाइन करेगा कि आप मोदी केयर से कितना पैसा कमा के जाओगे, तो स्ट्रक्चर पे विशेष फोकस रखिएगा। आठवीं चीज, आपको रोल मॉडल बनना है। ये रोल मॉडल होता क्या है, देखो एक लीडर्स वो होते हैं जो बोलते हैं करते नहीं है। आपको क्या करना है, आपको करके दिखाना है। बी अ रोल मॉडल फॉर योर टीम, अपनी टीम के रोल मॉडल बनिए, क्योंकि जैसा आप करोगे आपका डाउनलाइन वैसे ही आपकी परछाई होती है। तो करने पे यकीन रखिए, डायलॉग मारने पे बिल्कुल भी यकीन मत रखिए। अब नौवीं चीज बात करें, पर्सनल प्रोग्रेस। देखिए मेरे दोस्तों, आपके पास, हमारे और आपके पास जितना नॉलेज है हम उतना ही पैसा कमाते हैं। अगर आपको पैसा ज्यादा कमाना है तो आपको नॉलेज ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। नॉलेज कैसे बढ़ा सकते हैं, जब आप पर्सनल प्रोग्रेस करेंगे। पर्सनल प्रोग्रेस कैसे, बुक पढ़ना, सेमिनार अटेंड करना, ट्रेनिंग अटेंड करना, खुद की मीटिंग्स करना, ये सारी चीजें आप जरूर करें ताकि आपका भी विकास हो सके इस बिजनेस के साथ। दसवीं चीज, अगर मैं आपको बात करूं, डुप्लीकेशन। जैसा कि आपको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग से आपको पैसों इनकम मिलती है, मोदी के साथ पैसों इनकम के लिए मेहनत कर रहे हो, मतलब आप रहो या ना रहो आपके घर पैसा जाना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अकेले इस रेस में नहीं दौड़ना है, अपने जैसे लोगों को डुप्लीकेट करना है। जिस तरह की आग आपके अंदर है उस तरह की आग आपके डाउनलाइन के अंदर ढूंढना है, उनको डुप्लीकेट करना है अपने जैसा, कि कैसे आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया वैसे ही उन्हें स्टार्ट करना है। तो डुप्लीकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। 10 स्टेप आपको एज अ न्यू पर्सन याद रखना जरूरी है। अब मैं कुछ चीजें आपको वो बताने जा रहा हूं। लोग बोलते हैं कि किसी भी सफल व्यक्ति हो, असफल व्यक्ति हो, दोनों की कहानी सुननी चाहिए, क्योंकि सफल व्यक्ति आपको सफलता की कहानी सुनाएगा और असफल व्यक्ति आपको क्या नहीं करना चाहिए उन चीजों को सिखाएगा। तो आज इसके माध्यम से मैं आपको 10 कॉमन मिस्टेक्स की बात करने जा रहा हूं जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में मोदी केयर में बिल्कुल भी नहीं करना है। करना क्या है, सबसे पहली चीज, छोटे टर्म के साथ आप मत आइए इस बिजनेस पे। अरे हमने मोदी केयर 1 महीने काम कर लिए, 2 महीने काम कर लिए, अगर 1 महीने में 10,000 मोदी केयर से नहीं कमाएंगे तो हम छोड़ देंगे। तो छोटे गोल्स लेके मत आइए, बड़े गोल्स लीजिए। टारगेट लेना हो 1 साल,
एक साल में मैं मोदी के से ये अचीव करना चाहता हूँ, 6 महीने में अगर आपको शॉर्ट टर्म गोल बनाए तो छोटे छोटे गोल बनाइए, 3 महीने में मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू के गोल कभी भी मत बनाइएगा, छोटे सपनों के साथ मत आइएगा। अब होता क्या है, और मिस्टेक्स की बात करो, हम लोगों से ज्यादा बात नहीं करते हैं, हमें लगता है कि हम बड़े साई नेचर के हैं, हम ज्यादा लोगों से बात नहीं करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को बात करनी है तो ये घर तक मत रखिए, क्योंकि आपके दोस्त को ये बिजनेस तभी पता चलेगा जब आप बताओगे। और कुछ मिस्टेक आपको क्या नहीं करनी है, हम लोग यहाँ पे बिजनेस माइंड से नहीं आते हैं, कुछ सारे लोग सिर्फ यहाँ पे प्रोडक्ट खरीदने और बेचने तक ही फोकस रह जाते हैं, बिजनेस माइंड से आइए। आप ये सोचो कि आपने मोदी केयर का बिजनेस ओपन किया है, आप ऐसा सोचो कि मोदी केयर का जितना भी सिस्टम चल रहा है वो आपके लिए चल रहा है, डिलीवरी सिस्टम प्रोडक्ट मोदी केयर सब आपके लिए लॉन्च कर रहे हैं, तो अपना बिजनेस समझिए। और सबसे बड़ी बात, सब नए लोगों के लिए, हम अपने बेस्ट फ्रेंड को बताने जाते हैं वो हमें मना कर देता कि दोस्त हम ये बिजनेस नहीं करेंगे, तुम पहले पैसा कमा लो फिर हमको बताना, तो हम उनकी बातों को अपने दिल पे ले लेते हैं। दोस्तों किसी की भी बातों को दिल से नहीं लेना है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप 10 लोगों को बताओगे 10 में 10 लोग नहीं आएंगे, ये फैक्ट्स है, लॉ ऑफ एवरेज काम करता है कि जितने ज्यादा लोगों को आप बताओगे उतने ज्यादा लोगों को आप अपने साथ ला सकते हो। तो रिजेक्शन को कभी दिल में मत लीजिए, ये समझ लीजिए रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेक्शन, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। अब होता क्या है कि कभी कभी क्या होता है, जैसे हम नेटवर्क मार्केटिंग हमने स्टार्ट कर दिया तो हम उन लोगों के पास राय लेने चले जाते हैं जिनको नेटवर्क मार्केटिंग की एबीसीडी नहीं पता, हम चले जाते बगल में पान वाली दुकान से, पाँच चार आपको क्या लगता है मुझे मोदी केयर काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो जो आपके बगल वाला पान वाला दुकान वाला व्यक्ति होता है कहता नहीं नहीं मोदी केयर मत करना, हमारे फूफा के भाई अंकित सर थोड़ा सा स्पीड अप करना पड़ेगा, स्पीड अप प्लीज। बिल्कुल सर तो आपको एक्सपर्ट्स लोगों से, और अंकित जी, और अंकित जी जो कॉन्टेंट है ना उस कॉन्टेंट पे थोड़ा टिके रहिए, 200 पॉइंट से वाले कवर कीजिए प्लीज, बिल्कुल सर स्पीड से कीजिए, तो आपको टिके रहना है। दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है, आपको नेगेटिव बातें नहीं करनी, ना ही अपलाइन से बात करनी नेगेटिव, ना ही डाउनलाइन से करनी, ना ही किसी क्रॉस लेग से आपको नेगेटिव बातें बिल्कुल भी नहीं करनी। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज होती है, हम लोग टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, टाइम मैनेज करना आपको सीखना है, आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी है कि किस चीज को कब और कैसे करनी है आपको, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि कैसे हम लॉन्ग लास्टिंग लिस्ट बना सकते हैं, कैसे हम अपने माइंड को मैप कर सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। मेरे दोस्तों आज के समय में आपके पास, अगर हम बात करें लिस्ट बनाने का तरीका कैसे आपको रखना है, आपके सर्कल में कौन कौन से लोग होते हैं, आपके फैमिली में आपके सेल्फ होते हैं, मदर होते हैं, फादर होते हैं, ऐसे बहुत सारे रिलेशन है, तो जब भी आपको लिस्ट बनानी है तो आप क्या करो, पहले फैमिली मेंबर से स्टार्ट करो, आप जितने लोगों को भी जानते हो, आपको जज नहीं करना है, बिना जज किए हुए वो मोदी केयर में काम करेंगे या नहीं करेंगे ये बातें नहीं सोचनी, जस्ट आपको नाम उनका लिखना है, तो आप फैमिली मेंबर्स के नाम लिखो, फिर आपके जितने भी दोस्त है, चाहे वो स्कूल कॉलेज वाले हो, चाहे वो क्लासेस वाले हो, चाहे पे आप कल्चरल एक्टिविटी करते हैं, उन सारे लोगों को भी नाम लिखने, आपके ऑफिस वाले इंप्लॉय हो सकते हैं, तो आपको सारे नाम नोट डाउन करने हैं। और सबसे बड़ी बात, कुछ दोस्त आपके सोशल मीडिया के माध्यम से भी आते हैं, तो सोशल मीडिया वाले हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, ट्विटर हो सकता है, इंस्टाग्राम, ऐसे भी दोस्त होते हैं, उनका भी नाम आपको लिखना है। तो ऐसे जब आप इन सारी कैटेगरीज में आप नाम लिखना स्टार्ट करोगे तो लगभग आपको 200-300 लोगों के लिस्ट मिल जाएंगे, और इसी में से आपको उभरता हुआ सितारा आपके साथ काम करने वाला मिलेगा। एक बातों का आप हमेशा याद रखिएगा, कभी भी मेहनत आपको जो करनी है वो राइट डायरेक्शन में करनी है, राइट डायरेक्शन बहुत मैटर करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग मेहनत करते हैं लेकिन गलत डायरेक्शन से मेहनत करते हैं, वो हमको नहीं करना है। अगर हम और आप राइट डायरेक्शन में मेहनत करना स्टार्ट कर देंगे तो मैं गारंटी देता हूँ आपको जो रिजल्ट मिलने वाले बहुत ज्यादा अमेजिंग मिलने वाले हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बहुत सारे लीडर्स जिन्होंने इस मोदी के प्लेटफॉर्म में कुछ महीनों कुछ सालों में बहुत शानदार सफलता हासिल की, जैसा कि आप देख सकते हो रोशनी जी एंड संदीप जी, संगीता जी एंड प्रथमेश जी, इन्होंने मात्र 18 महीने में मोदी के लखपति बन गए और अपने सपनों की कार इन्होंने यहां से खरीदी। मोदी केयर एक चीज हमेशा आपसे कहता है कि आग लगा लो सीने में, जब तक लाख ना आए महीने में तब तक आप जरूर मेहनत करना, जब तक आपको मोदी केयर से लाख रुपए आना ना स्टार्ट हो जाए। तो दोस्तों एक चीज मैं बताना चाहूंगा, अगर ये लोग कर सकते हैं तो आप भी इस बिजनेस को कर सकते हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो दोस्तों ये सफर मेरा यहीं तक का था, आई होप आपको बातें समझ में आई होगी। अब मैं इस मीटिंग को हैंड ओवर करना चाहूंगा आयुरी जी को। आयुरी जी, ओवर टू यू।
थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा हमें नॉलेज दी। दोस्तों यही तो ताकत है कि इसे हर कोई कर सकता है, इस बिजनेस को सिर्फ आपको दुकान बदलनी है और आपको इसके सिस्टम को फॉलो करना है। ये छोटे छोटे स्टेप्स अगर आप करेंगे, अपनी शुरुआत करेंगे, तो आप बहुत जल्दी सक्सेस पा लेंगे। और दोस्तों एक बात बोलूंगी, मोदी केयर आपको जिंदगी के साथ भी देता है और जिंदगी के बाद भी देता है, यही मोदी केयर की ताकत है। और हमारे पास कुछ जीते जागते सबूत भी है, और आज मैं जिनको बुलाने जा रही हूँ हमारी सक्सेस स्टोरी को उनके बारे में बात करूं, तो दोस्तों सिर्फ 12th तक की पढ़ाई करी है, बहुत मिडिल क्लास फैमिली से थी दोस्तों, लेकिन सपने बहुत थे। हमारी मोदी क्या की ड्रीम गर्ल बोली जाती हैं, इन्होंने बहुत मेहनत करी। और अचीवमेंट की बात करूं तो दोस्तों हम तो सबको पीछे छोड़ दिया, 3 लग्जरियस इंटरनेशनल टूर ले चुकी हैं, 2 कार ले चुकी हैं, प्रॉपर्टी खरीद चुकी हैं, 3 लाख प्लस इनकम मंथली इनकम एंजॉय कर रही हैं यहां से। और दोस्तों सिर्फ इनके बारे में 2 लाइन बोलना चाहूंगी और फिर इनको बुलाना चाहूंगी। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। दोस्तों तो जोरदार तालियों से बुलाना चाहूंगी मैं हमारी क्राउन डायमंड डायरेक्टर मिस पायल अग्रवाल जी का। मैम ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। आप आज का ये सेकेंड डे कमांडो ट्रेनिंग का बहुत ही सुपर डुपर रहा, हर व्यक्ति ने एक एक चीज बताई, और एक सर ने अंकित जी ने तो कमाल ही कर दिया, बताया कि जॉब से हमेशा जरूरतें ही पूरी हो सकती हैं, कभी सपने पूरे नहीं हो सकते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने अलग 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 ऐसी बातें कही जिससे ये पता चलता है दोस्तों कि लाइफ में इतना तो संघर्ष कर लो मेरे यारो कि अपने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए दूसरे के एग्जाम्पल ना देने पड़े। ये आज का सबसे बड़ा सेंटेंस था दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम था जिसके लिए ये लाइन बहुत परफेक्ट है। दोस्तों दूसरी मैं बात करूं तो जैसे हमारे एक और ब्रिजेश जी ने बहुत अच्छा बताया था कि जब कोरोना काल ये पेंडेमिक जो सिचुएशन है उसमें हर व्यक्ति को सर्वाइव करने में प्रॉब्लम आ रहा है, अपनी जिंदगी को जीने में प्रॉब्लम आ रहा है, तब हमारी कंपनी मोदी केयर नए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, नई नई इनकम लॉन्च कर रही है, सारे लीडरों के चेक पे चेक बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों ये है मोदी केयर की ताकत, ये है हर मोदी केयर के लीडरों की ताकत। थैंक यू सो मच सुरेखा मैम, अल्पेश सर, फाल्गुनी मैम, विजय अग्रवाल जी, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। दोस्तों नाम पायल अग्रवाल है, बेसिकली बड़ौदा गुजरात से हूँ, 12th तक की स्टडी की है, मिडिल क्लास फैमिली से है, हम 5 भाई-बहन है, 3 बहन 2 भाई। दोस्तों मुझे इस बिजनेस को करना था, क्यों? क्योंकि मैं मेरी लाइफ में ये सोचती थी कि 20 साल की एज है जब मुझे मोदी केयर मिला, तो मुझे ये समझ में आया कि दोस्तों अल्पेश सर हमेशा ये बोलते हैं कि 50 साल मेहनत करने से अच्छा है 5 साल मेहनत कर लो, तो जिंदगी में वो चीज जो आप चाहते हो वो आपके हाथों में होगी। तो बस मेरा माइंडसेट हो गया था कि 5 साल करना है, 20 साल की एज है, 25 साल पर रिटायर हो जाएंगे, पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। जब लोगों के सपनों के लिए काम करना स्टार्ट करेंगे तो अपने सपनों ऑटोमेटिक पूरे हो जाएंगे दोस्तों। तो मैंने मेरी जिंदगी में ठान लिया था कि कितनी भी परेशानियां आए, कितने भी प्रॉब्लम आए, क्योंकि लाइफ में हर बिजनेस में उतार चढ़ाव रहते ही है, वो पार्ट ऑफ बिजनेस है। पर दोस्तों मोदी केयर में ना कोई इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, ना कोई ज्यादा टारगेट होता है, हर व्यक्ति अपनी जिंदगी का टारगेट खुद बना सकता है, यानी अपने बॉस खुद बन सकते हैं दोस्तों। और मोदी केयर ने मुझे अपना बॉस बनाया, और एक पार्टनरशिप बोलते हैं जो हमेशा मैडम बोलते हैं, जितने भी सारे वेयरहाउसेज है ना उसमें जो प्रोडक्ट है ना वो अपनी है, अपना बिजनेस है, ऐसा फील करके स्टार्ट करो और देखो आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी। और दोस्तों ये बात हकीकत निकली, आज मेरी एज 24 साल है, इस बिजनेस से मैंने 2 कार ली हुई है, 3 फॉरेन ट्रिप की हुई है, महीने का 3 लाख रुपए का चेक है। और दोस्तों लोग बोलते हैं कि ये बिजनेस में क्या पैसा आएगा, यस दोस्तों मैं बोलती हूँ ये बिजनेस में पैसा नहीं आएगा, आप सोच तो बना लो पैसा बरसेगा, पैसे बनाने की मशीन आपके घर तक आएगी। क्यों दोस्तों, हम 5 भाई-बहन 5-5 बोलते हैं, मैंने स्टार्ट किया था पूरी फैमिली नेगेटिव थी, पर दोस्तों मैंने ठान लिया था कि करके दिखाना है। राजस्थानी फैमिली से बहुत सारी दिक्कतें आई, पर मुझे पता है ये सारी दिक्कतों का सॉल्यूशन एक ही चीज है, सफलता सफलता और सफलता। और दोस्तों मैंने सफलता पाई तो मेरे चारों भाई बहन ने भी मेरे साथ मोदी केयर स्टार्ट किया, और आज मैं बहुत खुश हूँ मोदी केयर से, इसलिए दोस्तों कि हम 5 भाई-बहन मिलके मोदी केयर से एटलीस्ट 5 लाख रुपए हर महीने कमाते हैं, मेरी टॉप आइडिया, और उसके थ्रू अलग अलग बिजनेस कमाते हैं। दोस्तों इस बिजनेस में ऐसा बोला जाता है कि लाइफ में आपको बड़ी सफलता पानी है, बड़े-बड़े सपने पूरे करने हैं, तो एक ही काम माइंड में सोच के चलो कि 1000 डेमो जितना जल्दी फास्ट हो सके उतना जल्दी फास्ट 1000 डेमो
करो और वो 1000 में ऐसे लोग मिलने चाहिए जो आपके बिजनेस को ना भूले। एक्चुअली दिक्कत यहाँ पर है दोस्तों, लोग बोलते हैं कि हम जाते हैं लोग ज्वाइन नहीं होते, पर दोस्तों ये मैं गारंटी देती हूँ, जब आप लोगों के पास जाते हो और जब उसके सरदर्द में उसका सरदर्द है तो उसको सरदर्द की दवाइयां दोगे तो वो पक्का समझेगा। पर दिक्कत यहाँ पर है दोस्तों, हम उनको समझा नहीं पाते। हम ये सोचते हैं उसे पैसे की जरूरत है। दोस्तों पैसे की हर व्यक्ति को जरूरत है, हर व्यक्ति अपनी लाइफ में पैसा, क्योंकि लाइफ में सबसे बड़ा मोटिवेशन विटामिन एम है, मनी है, पैसा है, और वो हर व्यक्ति को चाहिए। और दोस्तों मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगी, लाइफ में जो भी सपने हैं मोदी केयर पे ब्लाइंडली फॉलो करो, मोदी केयर के साथ जियो, अपने टीम पार्टनर जितने हैं उनको करोड़पति बनाने के बारे में सोचो, और मैं गारंटी देती हूँ आपके सपने हरदम हर पल पूरे हो जाएंगे। दोस्तों तो सेम आज मेरे साथ हुआ, ऐसे मेरे टीम में काफी सारे लोग हैं जो महीने के लाख रुपए कमा रहे हैं, लोगों की कार भी आई है। और दोस्तों मैं तो ये सोचती हूँ, जैसे हमारे अल्पेश सर बोलते हैं कि 50 साल की जिंदगी 5 साल में पूरी करनी है, यानी पैसा कमाना है, तो मोदी केयर एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। और खास करके दोस्तों हम यंगस्टर का जो ग्रुप है, और दोस्तों मेरी टीम में सेम मेरे जैसे ही लोग हैं, 18 साल, 20 साल, 25 साल वाले, प्रॉब्लम आती है पर प्रॉब्लम के सामने दोस्तों जब मोदी केयर जो रिवॉर्ड देती है, जो मोदी केयर जो हमें रिवॉर्ड देती है, वो इतना सुपर डुपर शानदार होता है दोस्तों। और दोस्तों जब बोलते हैं ना लाइफ में प्रॉब्लम आए तो उसके सामने सॉल्यूशन भी आता है। मेरे मदर फादर ने इस बिजनेस को करने के लिए मना किया था, क्यों? राजस्थानी फैमिली से हूँ तो लोगों ने बोला था ये साबुन शैम्पू बेचने का धंधा हम नहीं कर सकते, हमारे घर की लड़कियां नहीं कर सकते। पर दोस्तों मेरा माइंड सेट था कि मैं मेरे घर के काम काज के लिए नहीं बनी हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन करने के लिए एक बाई रखी जा सकती है, पर मेरे अंदर जो टैलेंट है वो लाखों रुपए कमाने का है, और वो लाखों रुपए कमाने के लिए मुझे जो कुछ करना पड़े वो मैं करने के लिए तैयार हूं। घर में कितने भी संघर्ष करने पड़े पर मैं करती रही और एक ही माइंडसेट के साथ दोस्तों किया कि कुछ भी हो। अल्पेश सर ने एक चीज सिखाई थी, आप लोगों के पास जाओ, लोगों के पास जाओ, वो उन्होंने 3 सूत्र सिखाए थे, रोज नए लोगों से मिलो, और तीसरा वाक्य है ऊपर के 2 रूल्स को फॉलो करो। बस दोस्तों ये माइंडसेट हो गया था कि रोज नए लोगों से मिलना है, उनको हमारा प्रेजेंटेशन बताना है, कंपनी के बारे में बताना है, प्रोडक्ट के बारे में बताना है, जैसे कि आज हमारे सर ने बताया, ब्रिजेश जी ने, कि ये पूरा बिजनेस अपॉर्चुनिटी, तो सेम दोस्तों यही लोगों तक शेयर करना है। यानी ऐसा बोला जाता है पंडा, बाय द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट एंड रिकम द प्रोडक्ट। तो दोस्तों यही चीज है। और एक लास्ट वाक्य बोल के मैं मेरा अपना प्रोग्राम पूरा करूंगी दोस्तों, कि लाइफ में काफी सारे संघर्ष आए, लाइफ में कितने भी संघर्ष आए, पर ऐसा है दोस्तों किस्मत आपको मौका देती है और आपकी मेहनत दुनिया को चौंका देती है। और दोस्तों मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचाने लगे, और आई होप आप अपनी जिंदगी की सफलता के लिए और पूरे दुनिया में आप अपने नाम का डंका बजाना चाहोगे। और यही प्रोग्राम दोस्तों आपकी लाइफ का सेकेंड डेट जो था कमांडो ट्रेनिंग का, और यही बहुत आगे जाएगा, और यही चीज को हमें लोगों तक लेके जाना है, और हमारे तो सपने पूरे होंगे, और पूरी जिंदगी में जो लोगों के लिए सोचा है वो भी इस प्लेटफॉर्म से पूरा होगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय मोदी केयर। थैंक यू सुरेखा मैम, आपने ये प्लेटफॉर्म दिया उसके लिए, थैंक यू। वाह मैम, क्या बात है मैम, एक बात तो सीख ली कि अगर आप कर सकती हैं तो कोई भी कर सकता है, किसी के पास कोई रीजन नहीं होना चाहिए। 2 लाइन आपके ऊपर बोलना चाहूंगी, नायाब हीरा बनाया है रब ने हर किसी को, नायाब हीरा बनाया है रब ने हर किसी को, पर चमकता वही है जो तलाशने की हद से गुजरता है। तो दोस्तों घबराइए मत, हमारे बीच में सारे वो कमांडो और ट्रेनर्स हैं जो आपको ट्रेन करेंगे, और एक दिन आप भी इसी जगह इन कमांडोज की तरह यहाँ पे बोलेंगे। तो दोस्तों हमारा और आज का सफर, आज का सुनहरा सफर यहीं पे खत्म होता है, लेकिन उठिएगा नहीं, जाइएगा नहीं, क्योंकि हम फिर मिलने वाले हैं शाम को 6:30 बजे हमारे लीड प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हमारे हमारे नेटवर्क मार्केटिंग के 3rd जनरेशन खुद आपको निशान भार्गव जी, जो कि GBD हैं, और वो आपको खुद बताएंगे कि कैसे आप इस अपॉर्चुनिटी को अपना सकते हैं और अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं दोस्तों। और फिर हम परसों 26 जून को इसी जगह इसी समय पे फिर मिलेंगे और अपनी कमांडो ट्रेनिंग का 3rd डे को एंजॉय करेंगे और नई नई चीजें सीखेंगे। हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड टाइम, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।